डिलिमिटेशन के बाद से हिमाचल के कांगड़ा जिला के विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में बगावत ने भाजपा की लुटिया डुबोई रखी। 2007 तक कांग्रेस के सुजान सिंह पठानिया और भाजपा के डॉ. राजन सुशांत के बीच जंग होती रही। 1993 में सुजान सिंह पठानिया, 1998 में डॉ. राजन सुशांत, 2003 में फिर सुजान सिंह पठानिया और 2007 में फिर डॉक्टर राजन सुशांत जीते। 2007 तक ये क्षेत्र ज्वाली विधानसभा क्षेत्र था। 2012 में डिलिमिटेशन के बाद क्षेत्रीय समीकरण बदले और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का उदय हुआ। 2012 में कांग्रेस ने सुजान सिंह पठानिया को टिकट दी। भाजपा ने बलदेव ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा। भाजपा में बगावत का दौर शुरू हो गया। डॉक्टर राजन सुशांत की पत्नी सुधा सुशांत आजाद मैदान में उतरी। सुधा सुशांत 9,335 वोट ले गई। सुधा द्वारा लिए गए ये वोट सुजान सिंह पठानिया की जीत के लिए संजीवनी बने। बारी आई 2017 चुनाव की। कांग्रेस ने सुजान सिंह पठानिया को फिर चुनावी मैदान में उतारा। भाजपा ने कृपाल परमार पर दाव खेला और बलदेव ठाकुर बगावत कर गए। डॉक्टर राजन सुशांत भी आजाद चुनावी मैदान में आ गए। एक बार फिर भाजपा पर बगावत भारी रही और सुजान सिंह पठानिया फिर जीत गए। चुनाव में सुजान सिंह पठानिया ने कृपाल परमार को 1,284 वोटों से हरा दिया। बागी बलदेव ठाकुर 13,090 मत ले गए। सुजान सिंह पठानिया के निधन के बाद फतेहपुर में नवंबर 2021 में उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने पठानिया के बेटे भवानी पठानिया को टिकट दी। भाजपा ने बलदेव ठाकुर पर दाव खेला। टिकट ना मिलने से कृपाल परमार नाराज हो गए पर बगावत नहीं की। उपचुनाव में भवानी पठानिया ने बलदेव ठाकुर को 5,789 मतों से हरा दिया। इन चुनाव में भी फतेहपुर में बगावत के काले बादल नहीं छटे। भाजपा ने इस बार न कृपाल परमार और न ही बलदेव ठाकुर को टिकट दी, बल्कि नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया को फतेहपुर के रण में उतार दिया। टिकट न मिलने से खफा कृपाल परमार ने बगावत कर दी और आजाद हुंकार भर दी। बलदेव ठाकुर भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया के साथ प्रचार में डटे हैं। डॉक्टर राजन सुशांत आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार भी भाजपा में बगावत का फायदा कांग्रेस उठा पाती है या नहीं। मुकाबला दो पठानिया के बीच रहता है या परमार भी मुकाबले में रहेंगे। राजन सुशांत पर भी नजर रहेगी। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।